स्टूडेंट्स, आज न्यू महात्मा सोर्स ऑफ नॉलेज में क्लास 11th के न्यू सिलेबस के अनुसार पहली पोयम ए फोटोग्राफ का अध्ययन करेंगे, जो शर्ले टॉल्सन द्वारा कंपोज्ड की गई एक बहुत ही बेहतरीन कविता है। इस पोयम में कवयित्री अपनी माँ के बचपन को एक पुराने तस्वीर में देखकर याद करती हैं और उसका वर्णन करती हैं कि किस प्रकार उनकी माँ अपने बचपन में अपनी चचेरी बहनों के साथ समुद्र के किनारे सी बीच पर जा कर के छुट्टियों को व्यतीत करती थी और प्रसन्नचित रहती थी, परंतु उनकी माँ मर चुकी हैं। केवल तस्वीर ही एक सहारा है जिसके सहारे वह उन्हें याद करती हैं और बीते हुए समय को महसूस करती हैं। तो आइए टेक्स्ट देखते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड मीन्स फोटोग्राफ, तस्वीर। शोज मीन्स प्रदर्शित करना, दिखाना। मी माने मुझे, तस्वीर मुझे दिखाती है। हाउ इट वॉज कि किस प्रकार था। वेन द टू गर्ल्स कजिन, टू गर्ल्स दो लड़कियां, कजिन्स मीन्स चचेरी बहने, दो चचेरी बहने वेंट पैडलिंग। पैडलिंग मीन्स होता उथले पानी में चलना या पानी में छपाछप खेलना। वेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग, जब दो चचेरी बहने पैडलिंग करने यानी उथले पानी में चलने के लिए गई। ईच वन होल्डिंग वन माई मदर्स हैंड, ईच वन उनमें से प्रत्येक होल्डिंग माने पकड़ करके, ऑन माई मदर्स हैंड मेरी माँ की एक एक भुजा, और उनमें से प्रत्येक मेरी माँ की एक एक भुजा पकड़ करके किस प्रकार से पैडलिंग करने के लिए गई। एंड सी द बिग गर्ल, और जो मेरी माँ थी वह बिग गर्ल थी, बड़ी बच्ची थी। सम 12 ईयर्स आर सो, वह उस समय लगभग 12 वर्ष की थी। मेरी माँ उस समय लगभग 12 वर्ष की थी। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, तस्वीर यह प्रदर्शित करती है कि उस समय कैसा था। वेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग, जब दो चचेरी बहने पैडलिंग करने यानी उथले पानी में चलने के लिए गई। ईच वर होल्डिंग वन माई मदर्स हैंड, उनमें से प्रत्येक मेरी माँ की एक एक भुजा को पकड़े हुए थी। एंड सी द बिग गर्ल, और मेरी माँ उसमें बड़ी बच्ची थी। सम 12 ईयर्स आर सो, लगभग 12 वर्ष की। ऑल देयर स्टूड स्टिल स्माइल थ्रो दियर हेयर, ऑल थ्री तीनों स्टूड खड़ी थी, स्टिल शांत, टू स्माइल मुस्कुराते हुए, थ्रो दियर हेयर अपने बालों के बीच से। तो ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्र के किनारे गई थी, वहाँ हवाएं चलने लगी और बाल उड़कर उनके चेहरे पर आए और उन बालों के बीच से मुस्कुरा रही थी। एट द अंकल विद द कैमरा, और चचा कैमरे के साथ उनकी तस्वीर ले रहे थे। ऑल देयर स्टूड स्टिल टू स्माइल, वे तीनों शांत चुपचाप खड़ी होकर के फोटो खिंचवा रही थी। थ्रू दियर हेयर, और अपने बाल से स्माइल कर रही थी, मुस्कुरा रही थी, बालों के बीच से मुस्कुरा रही थी। एट द अंकल विद द कैमरा, और कैमरे वाले चचा उनकी तस्वीर ले रहे थे। ए स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी माँ का चेहरा बिल्कुल प्यारा था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और यह उस समय की बात है जब मैं पैदा नहीं हुई थी। अर्थात इस तस्वीर को देख करके लेखिका कवित्री कल्पना करती है कि उस समय उसकी माँ कैसी थी। एंड द सी, और समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, चेंज बदला हुआ, लेस मारे बहुत कम। एंड द सी, और वह समुद्र, विच अपीयर्स जो प्रतीत होता है, टू हैव चेंज लेस बहुत कम बदला हुआ। अर्थात इस तस्वीर को देखकर लगता है कि तब से आज तक यह समुद्र बहुत कम बदला है। वॉज दियर ट्रिबली टॉन्जिस फीट, वॉज मैंने जो धो रहा था, दियर ट्रिबली लगभग उनके ट्रांजिस फीट अस्थायी टेम्परेरी कदमों को, मानव जो है अस्थाई नहीं है, उसको मरना है एक दिन, तो कह रहे कि उनके अस्थाई कदम थे, वहाँ पर स्थिर कदम नहीं थे जो हमेशा पड़े रहे। तो समुद्र जो था
उनके अस्थाई चरणों को जुड़ रहा था। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, तस्वीर ये मुझे दिखाती है कि कैसा था व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग, जब दो चचेरी बहनें पानी में कदम चाप करने या पानी को छपछपाने के लिए गई। ईच वन होल्डिंग ऑन माई मदर्स हैंड, उनमें से प्रत्येक मेरी माँ की भुजा को पकड़े हुई थी। एंड सी द बिग गर्ल, और मेरी माँ उनमें बड़ी बच्ची थी। सम 12 years आर सो, वो लगभग 12 वर्ष की थी। ऑल देयर स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू द ईयर हेयर, वह वहाँ शांतपूर्वक चुपचाप खड़ी हो गई और अपने बालों के बीच से मुस्कुरा रही थी। एट द अंकल विद द कैमरा, और कैमरे वाले चचा उनकी तस्वीर ले रहे थे। ए स्वीट फेस माई मदर, मेरी माँ का चेहरा बहुत प्यारा था। दैट्स वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, ये उस समय की बात है, मैं पैदा नहीं हुई थी। एंड द सी, और समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, जो आज बहुत कम बदला हुआ प्रतीत हो रहा है। वाज देयर ट्रेबली ट्रांजिस्टेंट फीट, जो लगभग उनके अस्थायी पैरों को धो रहा था। नेक्स्ट देखिए, सम 20-30 years लेटर, कुछ 20 या 30 साल के बाद, सी यूज टू लाफ, वह हंसा करती थी। एट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट तस्वीर फोटो को देखकर, यानी जब उस समय के बाद, यानी वहाँ समुद्र में फोटो के लेने के बाद लगभग 20-30 वर्ष के बाद, सी हैड लाफ, वह हंसा करती थी। एट द स्नैपशॉट, तस्वीर को देखकर, सी बेटी एंड सी डॉली, सी हर्ट से वह कहा करती थी, बेटी को देखो, डाली को देखो, यानी इनकी जो चचेरी बहनें थी उनका नाम बेटी और डाली था, तो अपने पुत्री से कहती थी 20-30 साल बाद कि मेरी चचेरी बहनों, बेटी और डाली को देखो, एंड लुक, और देखो हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, किस प्रकार से हम तैयार होके बीच, माने समुद्र के किनारे गए हुए थे। यानी 20-30 साल बाद वो अपने बचपन की उस तस्वीर को देख करके अपनी उन चचेरी बहनों को याद करती थी और उस दृश्य को याद करके हंसती थी और कहती थी, देखो कि उस समय हम कैसे थे। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, हॉलीडे माने छुट्टी का दिन, द सी समुद्र के किनारे, वह छुट्टियों का दिन उनका पास्ट था, अतीत था। माइन इज हर लाफ्टर, लेकिन आज मेरे लिए उनकी वह हंसी पास्ट बन चुकी है, भूत बन चुकी है, अतीत बन चुकी है। अर्थात 20-30 साल बाद, वर्ष बाद, वह उस फोटो को देख करके हंसी थी और आज मेरे पास नहीं है, मर चुकी है, तो आज मेरे लिए उनकी वह हंसी अतीत बन चुकी है और उनके लिए वह उनकी तस्वीर अतीत बन चुकी थी। बोथ राय विद लवर इज ऑफ लॉस, दोनों अपने अपने हान के लिए कुछ कह नहीं सकते। अर्थात वो अपने बचपन को खो चुकी थी और मैं उनके हंसी को अब नहीं देख पाऊंगी, तो दोनों लोग अपने आसानी, अपने इस लॉस के बारे में, नुकसान के बारे में कुछ नहीं कह पा रही थी। नाउ सी हैज बीन डेड, अब वो मर गई है। नियरली हुआ एज मैनी ईयर्स, लगभग उतने वर्ष हुए, एज दैट गर्ल लिव्ड, जब वो एक बच्ची थी, यानी जब वो 12 साल की थी, तो आज मरे भी लगभग उनको उतना ही दिन हो गया, अर्थात लगभग 12 साल पहले वो मर चुकी है। एंड ऑफ दिस सर्कमटेंस, और वह परिस्थितियाँ, सर्कमटेंस में स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कहने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं बचा है। इट इज साइलेंस एंड साइलेंस, केवल खामोशी और खामोशी ही है। आज हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, केवल खामोशी ही खामोशी है। तो कुल मिला जुला करके इस कविता में कवित्री अपने दुख व्यक्त की है अपनी माँ की मृत्यु पर, और कहती है कि अपने बचपन में उसकी माँ किस प्रकार समुद्र के किनारे अपनी चचेरी बहनों डाली और बेटी के साथ आनंद लिया करती थी और अपनी छुट्टियों को व्यतीत किया करती थी। इस कविता में उन्होंने अपने दुख को